हेलो नमस्कार, वेलकम बैक इन न्यू ब्लॉग। देयर वेयर सो मैनी पीपल हु कमेंटेड अबाउट अकोमोडेशन इन डेंगोटे रिफाइनरी। सो टुडे इन दिस वीडियो आई विल शो यू हाउ इज़ द अकोमोडेशन इन डेंगोटे रिफाइनरी फॉर इंजीनियर्स, मैनेजर्स, वर्कर्स। सो इफ़ यू आर न्यू इन माई चैनल, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सम ऑफ यू commented about the security in Dangote refinery. So it is usual if you are living here in Dangote refinery and it is 100% safe, and if you are going outside you have to take permission from your managerial staff. Dangote refinery is the world largest single train refinery located in Lekki free zone, Nigeria. And there are so many opportunity for freshers and engineers in all fields, including piping, planning, civil, electrical, instrumentation, civil. There are so many opportunities, so you can try. So in this video I will show you how people live in the refinery accommodation. वाओ, व्हाट अ वेदर! हल्की हल्की धूप के साथ बारिश, हल्की हल्की बारिश की बूंद है। एकोमोडेशन ऑक्यूपेसी जो होती है वो बेसिकली क्या है, आपकी पोस्ट पे डिपेंड करती है। अगर आप इंजीनियर, सुपरवाइजर, मैनेजर रैंक के हैं तो आपको डबल ऑक्यूपेसी मिलेगी, मतलब एक रूम में शेयरिंग मिलेगा। और इससे हायर पोस्ट के लिए आपको सिंगल रूम भी मिल सकता है। और बेसिकली क्या है, कॉन्ट्रैक्टर वाइज मैं बता रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्टर के लिए ऐसा है। अगर आप Dangote रिफाइनरी EIL जो यहाँ पे PMC है, इसके लिए अगर आप बात करेंगे तो वहाँ पे सभी के लिए सिंगल ऑक्यूपेसी रूम्स है। और अभी हम बात करते हैं सिक्योरिटी की। तो सिक्योरिटी के लिए देखिए, हमारे कैंप के पास में मेन गेट है, उसके सामने आपको एक सिक्योरिटी गार्ड दिखाई दे रहा होगा। तो परमानेंट यहाँ पे गार्ड रहता है, आउटसाइडर डजंट अलाउ। तो यहाँ पे सिक्योरिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जब भी शॉपिंग के लिए जाना होता है, कभी भी बाहर जाना होता है, तो उसके लिए हमें परमिशन लेनी पड़ती है अपने HR डिपार्टमेंट से। इसके बाद आप बाहर जा सकते हो। कंपनी की जो शेड्यूल बस होती है उसके लिए पहले से अगर आप अपना इन्फॉर्मेशन देंगे तो आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी हॉलीडे होती है आराम से आप ट्रैवल कर सकते हो बाहर, सिक्योरिटी के साथ आपको जाना होता है। Dangote रिफाइनरी में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर हैं, जैसे कि OIL, OOC LLC, Lloyd, तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर हैं यहाँ पे। कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू भी बहुत सारे स्टाफ हैं। तो अकोमोडेशन इज डिपेंड्स ऑन कॉन्ट्रैक्टर्स एंड योर कंपनी। तो ऑफिस का जो टाइमिंग होता है, मॉर्निंग में आपको बस मिल जाती है, 6:30 पे बस मिलती है यहाँ से। तो 6:30 पे आपको रेडी होके बस में जाना होता है। और देखिए बस जा रही है, अभी आज आउटसाइड जा रही होगी। तो 6:30 पे आपको रेडी होके आपको बस पे पहुंचना होता है। और इसके बाद आपको 6:30 के बाद आपको सीधा वो ऑफिस ड्रॉप करती है। ऑफिस की जो टाइमिंग होती है, टाइमिंग 11 आवर्स की होती है, इंक्लूडिंग 1 आवर लंच। और उसमें आपको 1 घंटा जो होता है वो लंच का होता है, बाकी का आपको 10 आवर्स की ड्यूटी करनी होती है, चाहे आप इंजीनियर हो, वर्कर हो, लेबर हो, मैनेजर हो, कोई भी हो आप। तो इस तरीके से यहाँ पे शेड्यूल रहता है आपको। और इसके बाद जब आपकी ड्यूटी कंप्लीट हो जाती है तो वहाँ से बस आती है, तो आप अपना जो भी पंच वगैरह होता है आपका, अटेंडेंस का पंच होता है, पंच लगा के आप यहाँ पे आ सकते हो। तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आने के बाद आप यहाँ पे इवनिंग में जो स्नैक्स होता है उसको आप ले सकते हो। तो बहुत इजी है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि लोग अफवाह फैला रखे हैं कि यहाँ पे नाइजीरिया में कैसे जाएंगे। जब मैं आया था तो मुझे भी प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब इजी है। और अगर आप डिसिप्लिन में रहते हो तो आपको यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।
चलिए दोस्तों बात करते हैं अकोमोडेशन की। अकोमोडेशन के लिए यहाँ पे ब्लॉक वाइज सिस्टम है। एक ब्लॉक में 10 रूम्स हैं, वन साइड फाइव। और ये जो रूम का अकोमोडेशन अरेंजमेंट है वो पोस्ट के वाइज है। चलिए अंदर से अंदर दिखाते हैं। जब आप अंदर आओगे तो इस तरीके से आपको एक ब्यूटीफुल रूम मिलेगा। एक आपको एसी मिल जाता है, दो शेयरिंग बेड मिलेंगे। इस तरीके से आपको बेड मिलता है। बेड के साथ साथ आपको अलमीरा मिल जाएगी। अलमीरा में आप अपना सामान रख सकते हो। और इसके बाद मैं बात करूं कम्बाइंड लैट्रिन एंड बाथरूम का, तो यहाँ पे आपको लैट्रिन एंड बाथ मिल जाता है। और इसके साथ मिरर है। और इसमें यहाँ पे गीज़र भी रहता है, तो आप नहाने के लिए यूज़ कर सकते हो। कपड़े टांगने के लिए हैंगर मिल जाता है। और इस तरीके से अरेंजमेंट रहता है, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अच्छे से आराम से यहाँ पे रह सकते हो। छोटा रूम रहता है वो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं। बेसिकली क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि जो ऑक्यूपेसी रहती है, ऑक्यूपेसी बेसिकली डिपेंड ऑन यू नो योर पोस्ट एंड योर डिपार्टमेंट कंपनी। सो उसके अकॉर्डिंग आपको अलॉट किया जाता है अकोमोडेशन। तो इस तरीके से रहता है, क्योंकि सोना 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 ही पड़ता है। क्योंकि आप जब ऑफिस से आते हो तो अराउंड 6:30 यहाँ पे आते हो, तो आपको मुश्किल से 4-5 ही घंटे मिलते हैं। 4-5 घंटे में आप अपना डिनर ले सकते हो। डिनर लेने के बाद आप आराम से आपको सोना होता है, इसके बाद फिर से ऑफिस जाना है। तो इस तरीके से रहता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। और इस तरीके से चलिए दोस्तों थोड़ा बारिश की बात कर लेते हैं। इधर पे अभी क्या है कि बारिश का सीज़न चल रहा है, तो यहाँ पे खूब हैवी बारिश होती है। तो बारिश बारिश के टाइम में तो बहुत अच्छा रहता है। और ये मैंने आपको बताया स्टाफ के बारे में, अभी मैं आपको बताता हूँ वर्कर के बारे में। तो वर्कर्स का जो अकोमोडेशन रहता है वो बेसिकली क्या होता है, स्टोरी वाइज रहता है। मैं तो अभी पाइपिंग इंजीनियर हूँ यहाँ पे, तो मेरा तो टू ऑक्यूपेशी है, डबल ऑक्यूपेशी अकोमोडेशन है। लेकिन वर्कर्स का क्या होता है कि स्टोरी वाइज रहता है, एक बेड के ऊपर दूसरा, दूसरा बेड के ऊपर तीसरा। तो अराउंड 6 पीपल रहते हैं, 6 वर्कर रहते हैं एक एक रूम में, 6 या 4 ऐसे रहता है अरेंजमेंट। तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब मैनेज हो जाता है। बस आपको एक बार मन बनाना है कि आप किसी भी रिफाइनरी में जा रहे हो, और स्पेशली ऑयल एंड गैस फील्ड में आपको मैनेज तो करना पड़ेगा। और इतना टाइम नहीं मिलता है कि आप कुछ करें। देखो ये मैस एरिया है, और यहाँ पे मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, आफ्टरनून का लंच और शाम का डिनर यहाँ पे हम लोग बैठ के करते हैं। और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कपड़े धुलने के लिए लाउंड्री कैसी होती है। यहाँ पे आपको बकेट में कपड़े देने पड़ते हैं, और इस तरीके से आपको रजिस्टर में मेंटेन करना होता है। और देखिए कितनी सारी वॉशिंग मशीन्स हैं, तो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। जब कपड़े धुल जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, तो आप यहाँ से उठा के सूखने के लिए डाल सकते हो।
यहाँ पर रजिस्टर में मेंटेन कर दीजिए, और इसके बाद आप जब भी कपड़े सूख जाएंगे, जैसे आज आज डाल दिया तो कल आप कपड़े उठा के अपना सुखाने के लिए धूप में डाल दीजिएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर लॉन्ड्री के लिए भी अरेंजमेंट होता है। देखिए ये मैं अभी बाहर आ गया हूँ, और यहाँ पे देखिए कितने सारे कैंप्स बने हैं। उसमें आपका डिफरेंट डिफरेंट जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उसको अलोकेट किया गया है, और कुछ यहाँ पे सामने जो दिखाई दे रहा होगा वो सिक्योरिटी पर्सनल के लिए या सिक्योरिटी के लिए अलोकेटेड है। और ये देखिए एयरटेल का टावर है, कुछ इस तरीके से एयरटेल का टावर होता है यहाँ पर नाइजीरिया में। तो देखिए यहाँ पे दूर दूर तक जहाँ जहाँ पे आप देखेंगे वहाँ वहाँ पे आपको दिखाई देगा कि इसी तरीके के ब्लॉक बने हुए हैं। इंसुलेटेड ब्लॉक हैं, सभी में एसी प्रोवाइड है, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर रहता है तो अरेंजमेंट बहुत अच्छा होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कैंटीन भी है यहाँ पे, सुपरमार्केट भी होता है, तो आप अगर आप अंदर रह रहे हो तो आराम से आप यहाँ पे शॉपिंग भी कर सकते हो। देखो ये सुपरमार्केट है, ये कैंटीन है। चलिए अभी मैं आपको सुपरमार्केट के का कुछ नज़ारा दिखाते हैं, किस तरीके से आप यहाँ पे परचेजिंग कर सकते हो। थोड़ा कॉस्टली रहता है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, क्योंकि यहाँ पे जो सामान है वो इंपोर्ट होता है। इसलिए देखिए मर जा मर कर ले। तो इस तरीके से देखिए शॉपिंग भी कर सकते हो अंदर।